काफ़ी लेट हो चुका है यार। ब्रेकफास्ट करते करते पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया, और जीपीएस भी सही काम कर रहा है एकदम। मैप चालू ही रखा हूँ मैं, एक्चुअली रास्ता पता है मुझे, फिर भी मैं कभी कभी बाइक मोड में डालने से कभी कोई शॉर्टकट दिखाता है, तो उस वजह से मैंने चालू रखा है। अभी घाट चढ़ रहा है, लेकिन एक खासियत है ये हाईवे का, जब लोनावाला खंडाला जब चढ़ते हैं तभी काफ़ी चढ़ा जैसा लगता है, ऐसा लगता है, लेकिन ये इगतपुरी का जो घाट है ऐसा फील ही नहीं होता कि चढ़ा ज़्यादा ये है, और ट्रैफिक भी नहीं मिलता इधर इतना, घाट में भी ट्रैफिक नहीं मिलता इतना, तो ये एक मेरे को सही लगा यार सबसे। लोनावाला जब आता है, जब वो हाईवे पे लोनावाला जब आता है तो उतना ट्रैफिक हो जाता है, उसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, एक पनवेल में वेस्ट होता है, एक लोनावाला में वेस्ट होता है, फिर पूना पहुँचने से पहले देव रोड करके एक जगह आता है देव रोड, तो उधर भी काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये हाईवे देखो ना, आप देख रहे, देखो सामने इतना खाली खाली रोड है, और कितना मस्त लग रहा है यार, रोड भी एकदम साफ, एकदम डांबर रोड है, लेकिन एकदम बाइक के लिए तो काफ़ी मस्त रोड है, ये ज़बरदस्त रोड है ये। तो आप लोग भी कभी जाएंगे ना ये रोड पकड़ो, बहुत अच्छा रोड है। एक्चुअली मैप में दो रूट बता रहा था, एक दूसरा कहीं से थाने से कहीं से निकलता है, तो कुछ तो रूट बता रहा था, लेकिन एक्चुअली मैं ये रूट चॉइस किया, ये रूट थोड़ा फास्टर था, वो थोड़ा कुछ हाफ एन आवर लेट दिखा रहा था, तो ये रूट में मैं आ गया, तो सही है ये रूट। अभी देखते हैं अभी कब, अरे KTM डुक काफ़ी फास्टर बाइक है, देखते हैं अभी क्या है, अपने पास जो है उसमें खुश रहो। एक्चुअली कोई बुरी बाइक नहीं है करिश्मा ZMR, मुझे तो सही लगता है, मैं तो फ़ैन रह चुका हूँ इस बाइक की, मैं CBZ से फ़ैन हूँ उसका। CBZ जब आया था तब मैंने लिया था CBZ, उस टाइम की काफ़ी पावरफुल बाइक थी, तो उसके बाद कंपनी ने वही इंजन को करिश्मा करके लाया, फिर करिश्मा R आया, फिर ZMR आया, अभी ये है ZMR सेकेंड जनरेशन। ये अब देखोगे पुराना CBZ और इसका इंजन, लगभग अंदर का जो स्पेयर पार्ट्स है जो इंजन के अंदर सब मैच करता है, वही इंजन है, पर पावर ज़्यादा है इसका और कुछ नहीं है। रोड यार, रोड देख के मैं फिदा हो गया, मज़ा आ गया, रोड एकदम सुपर रोड है, देखते। और जो नासिक से पूना जाने का रोड, तो वो तो ज़बरदस्त रोड है, वो इससे भी ज़बरदस्त रोड है, अभी आएगा मैं दिखाऊंगा आपको, काफ़ी टाइम है पहले नासिक पहुंचेंगे। ये देखो ये इगतपुरी आया, इगतपुरी में एक्चुअली ये इधर काफ़ी लोग आते हैं, जैसे कि लोनावाला जाते हैं वैसे इधर इगतपुरी आते हैं सब लोग, बारिश के टाइम काफ़ी लोग आते हैं, बाइकर्स आते हैं जो घूमने के लिए, काफ़ी लोग आते हैं इधर, अच्छा है जगह इगतपुरी। तो यहाँ एक प्रॉब्लम है, इधर सिंगल वे हो गया है, ये सिंगल वे काफ़ी डेंजरस है, सामने से गाड़ी कभी भी आती है स्पीड में। चलो देखते हैं अभी, अभी फिर से घाट चढ़ेगा, चढ़ गया घाट फिर से, बाय द वे काफ़ी खूबसूरत घाट है, वो देखिए सामने ट्रेन जा रहा है, वाह ये दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, वाह सामने से ट्रेन जा रहा है, ये नासिक जाने वाला ट्रेन यहीं से जाता है, बहुत खूबसूरत लगा सीन देख के। तो इगतपुरी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, फाइनली हम लोग नासिक पहुँच ही गए, एक्चुअली ब्रिज के नीचे नासिक है, वो ब्रिज से अभी मैप तो बता रहा है कि यहाँ से राइट ले वे, तो मैप आज इस बार मैं GPS को देख के आया हूँ ना मैप, तो आज कुछ नए जगह से ला रहा है मैप, तो मैप बता रहा है यहाँ से राइट मारना है सिग्नल से, तो वही देख रहा हूँ। एक्चुअली मैं हर टाइम आता हूँ विदाउट मैप के आता हूँ, तो दूसरे रूट से जाता हूँ, आज मैप लेके जा रहा है, देखते शायद शॉर्टकट दिखाता होगा। मैप का एक फ़ायदा है, जो टू व्हीलर मोड जो है वो काफ़ी यूज़फुल है।
यहाँ से राइट बता रहा है। ट्रैफिक है नासिक में, कोई भी रूल्स नहीं पाल रहे, कोई भी हेलमेट नहीं पहन रहे, कोई हेडफोन कान में लगा के जा रहा है। क्या रूल्स पालना बोले तो अपना मुंबई, कोई भी कहीं से भी घुस रहा है। अरे बाप रे यार, अरे जा ओ भाई साहब, रुको ना, क्या कुछ भी कैसे भी चलाते हैं यार इधर गाड़ी यार। कोई भी हेलमेट नहीं पहना, अरे रिक्शा वाला देख, क्या कोई हेलमेट नहीं पहनता इधर, कोई रूल्स नहीं पालता इधर, क्या नासिक से। अच्छा तो अपना मुंबई थोड़ा ठीक है, हेलमेट में दिखते तो है कुछ लोग, थोड़ा बहुत तो हेलमेट पहने हुए दिखते हैं, यहाँ तो विदाउट हेलमेट दिख रहे सब लोग। और कहते हैं कि नासिक में कैमरा वगैरह लगा हुआ बोलते हैं, लेकिन क्या मतलब जब विदाउट हेलमेट जाते हैं, रूल्स तोड़ते हैं, क्या पता। चलो छोड़ो भाई, तो बात करके मतलब नहीं है अभी। यहाँ से तीन ये कह, देखो हेलमेट नहीं पहनते और मुंह देखो बांध के रखा है लेडीज़ लोग। ये एक्चुअली मुंबई छोड़ के बाहर आए तो सब लेडीज़ लोग ऐसे ही दिखती है, मुंह बांधा हुआ और एकदम आतंकवादी जैसे, सब ऐसे ही दिखते हैं। उससे अच्छा हेलमेट पहनने को तो और सेफ है, उनका स्किन धूप नहीं लगेगा, इससे अच्छा धूप नहीं लगेगा और सेफ भी रहेगा, सेफ्टी भी रहेगा। सो भाई छोड़ दो इनकी बातें। यहाँ से ना अपना जो चर्च है 3 किलोमीटर दिखा रहा है, राइट साइड में चर्च आएगा, वही मैं देख रहा हूँ अभी शायद, ये दिख गया राइट साइड में देखो चर्च आ गया, चर्च पहुँच गया बाप। चलो चलो चर्च आ गया, यहाँ से टर्न मारते अभी आगे से। अभी फ़िलहाल चर्च अभी ख़त्म हुआ है, तो अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ यहाँ रुकूँ या डायरेक्ट पुणे जाऊँ। एक्चुअली मेरा प्लान था पहले नासिक चर्च, फिर पुणे, फिर कोल्हापुर, फिर गोवा। तो अभी डिसाइड कर रहा हूँ कि अभी तो 1:30 बज रहा है, तो क्या करना है। सोच रहा हूँ लंच करके निकल जावे पुणे, यहाँ से पुणे यहाँ से 220 किलोमीटर है, तो सो देखते क्या करना है।